हेलो गाइस, अब मैं मेरा फोर्थ ग्रेड का बुक्स का बॉक्स कलेक्ट करने आई हूँ। मुझे मिल जाएगा। मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। खूब दीदी हमारा बॉक्स ला रही है। घर आ चुके और ये है वो डब्बा जो हमने स्कूल से लिया, तो ये सब हमने सामान लिया था। और एक बहुत ऐसे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, नाम लिखना सब। है रे ड्राइंग बुक, नाइस। ये थोड़ी सी अब अलग होगी, ऐसे नोटबुक मतलब पीछे का ये सब अलग होगा। नाइस नोटबुक, सब नोटबुक्स है। ये हमारी एक वाइट पोर्टफोलियो होती है, एंड देन दीज आर नोटबुक। और इस ईयर हमें शायद ज्योमेट्री बुक्स भी मिल रहा है, लाइक ये सब इंग्लिश या फिर होती है। एक फोल्डर होता है स्टूडेंट पोर्टफोलियो फाइल, पहले असाइनमेंट वो भी है। फिर ये कलर येलो एंड नेवी ब्लू बैग। ओके गाइस, स्टेशनरी। मैं इसको भी खोलूँगी, इसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी है। फोर्थ ग्रेड को सलाम। ये और एक होता है, ओके ओके। अब ये होता है एक वेलक्रो वाला पोर्टफोलियो। ये मराठी की है तो दिख ही रहा है, ये मराठी से पोपट चिमनी फूल फूल पाखरू ओ माय गॉड। ये फटी की बुक है, कंप्यूटर की बुक है गाइस। देन वी हैव साइंस की कोर्स बुक। साइंस कोर्स बुक सेम ही होता है मतलब कवर। देन ये लाइफ स्किल, लाइफ स्किल का ये सिर्फ कलर चेंज होता है, बाकी सब अंदर का सेम रहता है। लाइफ स्किल बहुत ईजी है। मैथ्स, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। हाई हाई हाई, क्या है ये 224 पेजेस की बुक। ओ माय, एसएसटी की कोर्स बुक इतनी मोटी हो गई है। पहली की भी इतनी थी बट बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एसएसटी ग्रेडर को हम उसमें देख सकते हैं कितने पेजेस हैं, 148। देन दिस इज, देखो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी के ना चार बुक्स होते हैं, नोटबुक ग्रामर बुक कोर्स बुक और वर्क बुक। तो ये है वर्क बुक, अभ्यास पुस्तिका भी बोलते हैं हम, ये कोर्स बुक कक्षा बुक। फिर ये है हाँ व्याकरण बुक, ऐसी हिंदी की नोटबुक भी होती है। देन दिस, ये सेम है मतलब शायद इंग्लिश का ऐसे ही होता है, ये हमारी वर्कबुक है। देन दिस इज एसएसटी की वर्कबुक, एसएसटी की वर्कबुक काफ़ी मोटी हो गई है। Then this is maths की वर्कबुक, ओके maths की वर्कबुक। Then this is English की कोर्स, इसे क्या दिख गया मुझे, ओ भाई मराठी की वर्कशीट से शायद ये वर्कशीट्स, ओ माय गॉड। ओके गुड, फिर ये हमारी हैंडबुक डायरी जो कि होती है। फिर ये हमारी बाकी की नोटबुक्स, ये पर्पल नोटबुक्स हमें थर्ड ग्रेड में मराठी के लिए होती थी, अब शायद हिंदी के लिए भी है ऐसे मेरे फ्रेंड्स बोले। और गाइस मैथ्स की भी चार नोटबुक्स होती है, मतलब मैथ्स की टोटल में एक्चुअल में ना छः बुक्स होती है। हम
हमने छः के छः यूजली किए थे थर्ड ग्रेड में, अब ख़त्म हो गया सब। बट एक चीज़ मैंने आपको अभी तक दिखाई नहीं है, जो कि है स्टेशनरीज। अब हम स्टेशनरी देखते हैं। हमारा ना क्या होता था, वाटर कलर्स ऐसे नहीं होते थे, हमें मतलब वाटर कलर केक्स मिलते थे जो स्कूल से ही थे। अब ये थोड़े फाइबर पास्टल के हमें चीज़ें मिलने लगती हैं। चलो आप ले जाओ, फाइव पिस्टल्स मिल गए भाई साहब, गुड। ये तो 10 ड्रॉय ब्लैक मैट ड्राइंग पेंसिल्स है। ये है ज्योमेट्री बॉक्स। ओ ओ ओ माय, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाय हाय। ये है स्केल, उसके भी नीचे है कुछ स्केल्स, ये स्केल है और कुछ अलग अलग तरीके। गुड, अच्छा है। ओ सॉरी, ये लगाना भूल गई। जी आर फाइबर कस्टम प्लास्टिक के फर्स्ट स्टैंडर्ड से प्योर की है, गुड है सर। और क्या भी देखो, शीट्स जो बोलना है बोलिए। देन वी हैव अगेन सुपर डार्क पेंसिल्स है, फिर ये है मतलब पेंट ब्रशेस एकदम हार्ड, तीन इरेजर, तीन शार्पनर, पिंक ओ फ्लोरेसेंट वाले शार्पनर, और सबसे भारी 12 पोस्टर कलर्स। बहुत बढ़िया, बहुत मुझे ये बहुत शॉकिंग लगा कि इसमें ज्योमेट्री बुक्स डिक्शनरी मिली है। ओके बाय। वैसे गाइस दो दिनों के बाद मेरा फोर्थ ग्रेड चल रहा है, ओके बाय, विश मी गुड लक। Like, share.